बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान छीना मनकेरा यूट्यूब चैनल। बजट की ताज़ा तरीन अपडेट। 10 जून को कैबिनेट के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी। बजट समरी मई के आखिरी हफ्ते में पेश होगी। बजट वर्क में हुकूमत ने पार्ट वन की वर्किंग मुकम्मल कर ली। स्ट्रेटजी पेपर आइंदा हफ्ते फाइनल करके कैबिनेट को मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। 10 जून को वफाकी कैबिनेट का अजलास होगा। बजट दस्तावेजात की हतमी मंजूरी भी दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2023-24 के लिए वफाकी बजट के पार्ट वन के हवाले से वर्किंग मुकम्मल कर ली है। जल्द हतमी शक्ल देकर प्रिंटिंग के लिए भिजवाया जाएगा, जबकि 3 साल बजट स्ट्रेटजी पेपर 2023 से 2026 आइंदा हफ्ते फाइनल करके कैबिनेट को मंजूरी के लिए पेश कर दी जाएगी। एक्सप्रेस को जो दस्तावेजात दस्तयाब हुई हैं उनके मुताबिक अगले माली साल के लिए बजट साजी के हवाले से 10 साल जायजा रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। मई के तीसरे हफ्ते में ज़िमनी बजट तैयार होगा। इसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में अगले माली साल के वफाकी बजट का प्रोग्राम और बजट पेश करने की तारीख के हवाले से समरी तैयार करके वज़ीर आज़म को मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। 10 जून को वफाकी कैबिनेट का खसूसी इजलास होगा, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में इजाफा और दूसरी बजट दस्तावेजात की हतमी मंजूरी होगी। इसके बाद इसी रोज़ कैबिनेट इजलास के फौरी बाद बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा।